नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल SSC एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, RRB NTPC, RRB ग्रुप डी और RRB आइसोलेटेड कैटेगरीज के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नोटिस अपडेट किया गया है आज की ही डेट में। तो इसके अंदर हम जान लेते हैं कि क्या आप लोग के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, कब तक आप लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं, क्या नई डेट रखी गई है, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन को आगे एक्सटेंड किया गया है। इस कारण से कोरोनम नंबर 3 1-2 पहले ही जारी किए गए थे, अब आप लोगों का नंबर 3 जारी कर दिया है। तो क्या इसके अंदर अपडेट दी गई है, क्या नई डेट बताई गई है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वेबसाइट पर आ लेना है। ये मैंने आप लोगों की RRB चेन्नई की वेबसाइट खोल रखी है, इसमें देख सकते हैं आप लोग कोरोजन नंबर 3 चेन्नई NTPC एग्ज़ाम और आइसोलेटेड कैटेगरीज के रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट है। तो सबसे पहले तो हम NTPC एग्ज़ाम इसको कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेट मेंशन की गई है आइसोलेटेड के अजमेर की वेबसाइट पर जो नोटिस डाला है, और जो चेन्नई की वेबसाइट पर है उसमें डेट अभी मेंशन नहीं की गई है। लेकिन आप लोगों को तो डेट देखनी है ना, डेट कि आप लोगों की क्या डेट रही गई है अब कोरोजन नंबर नोटिस 3 में, और कब तक आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ नोटिस में देख लीजिएगा, आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप लोगों का जो CBT एग्ज़ाम होना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है, वो COVID-19 के कारण जो कोरोजन नंबर है, जिसके कारण जो टेस्टिंग एजेंसी का फाइनलाइज करना था, इसको लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है। अब 3-5 यानी 3 मई तक जो है लॉकडाउन की सिचुएशन होने वाली है COVID-19 के केसेस को देखते हुए, और इसके कारण से जो अगली डेट रखी गई है, तो डेट ऑफ टाइम ऑफ प्री बिड कॉन्फ्रेंस की रखी गई है वो 14 मई रखी गई है, और लास्ट डेट रखी गई है वो 8 जून रखी गई है। यानी अभी 8 जून लास्ट डेट है आप लोगों के लिए, जब आप लोगों का NTA यानी नेशनल टेस्टिंग फाइनलाइज किया जाएगा कि आप लोगों की कौन सी एजेंसी जो है पेपर लेने वाली है, ECA एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी। और 24 के डेट में नोटिस अपडेट किया गया है वेबसाइट पर, और आप लोगों को एक और RRC चेन्नई का नोटिस दिखा देता हूँ। तो देखिए, यह है RRB चेन्नई का नोटिस, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं NTPC रिलेटेड कैटेगरीज के रिगार्डिंग जो है नोटिस है, नॉन टेक्निकल पोस्ट जो आप लोग के NTPC कैटेगरीज की डेट आई है, और इसमें देखिए आप लोगों की क्या बात बताई गई है कि 3 मई तक के लिए एक्सटेंड किया गया है COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए लॉकडाउन को। इस कारण से जो नई डेट है वो IREPS की वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। तो यहाँ पर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, और आप लोगों की जो मैंने अजमेर की वेबसाइट पर नोटिस दिखाया उसके अंदर डेट भी दे रखी है कि आप लोगों की लास्ट डेट जो है वो 8 जून रखी गई है आप लोगों की कॉन्फ्रेंस की, और इस डेट को आप लोगों का फाइनलाइज हो जाएगा कि आप लोगों की कौन सी ECA कंडक्टिंग एजेंसी यानी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आप लोगों का पेपर लेने वाली है। 8 जून को अगर फाइनल होता है तो आप लोगों का अगस्त से सितंबर के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम हो लेगा, NTPC का एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आप लोगों का जो भी फाइनलाइज होगी, बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। इतना ज़रूर तय है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 2020 के अंदर होने वाला है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल भी आ चुका है, पब्लिश हो चुका है, सरकार भी कम्प्लीटली बोल चुकी है कि हम इस एग्ज़ाम को आप लोगों का इस साल ले लेंगे। और नंबर दो बात, 2019 का सबसे बड़ा एग्ज़ाम था, अब 2020 में पोस्टपोन हो गया, तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाएगा, 2020 का भी सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। अगर इसको अगर सरकार नहीं ले पाती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कतों का सामना लेना पड़ सकता है। और बात सेकंड आती है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है, वो आप लोग की बात चल रही है कि आप लोग की जो है वैकेंसियाँ कम हो सकती हैं, ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डिक्रीजमेंट का कोई नोटिस नहीं है, किसी भी वैकेंसीज को कम नहीं किया जा रहा है। RRC की जो आप लोग की वैकेंसियाँ हैं 1,03,000 वो उतनी ही रहेंगी, NTPC की जितनी वैकेंसियाँ उतनी रहेंगी, आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसियाँ को भी कम नहीं किया जा रहा है। तो जितनी वैकेंसियाँ आप लोग की निकाली गई हैं उतनी वैकेंसियों पर ही आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी 8 जून को आप लोगों की फाइनल हो जाएगी। जब भी आप लोगों की एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो भी फाइनल होगी उसके रिगार्डिंग में आप लोगों की सारी अपडेट दे देंगे, वो आप लोग किस तरीके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके रिगार्डिंग में आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके अपडेट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।